जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ विशाल फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र ऑल इंडिया साइकिल राइडर। और फाइनली हम लोग अभी देहरादून पहुँच गए। तो देहरादून में मैं एक फिलहाल एक साइकिल के शॉप में हूँ। तो मेरे साइकिल का थोड़ा इशू हो गया था जिसका ब्रेक वगैरह चल नहीं रहा था। तो ये सर है तो ये जो सर है उन्होंने मेरे पूरे मतलब ब्रेक की सर्विसिंग की, पूरा जो भी इशू था वो पूरा उन्होंने सॉल्व किया। और अभी ऑलमोस्ट 5-10 मिनट का काम बाकी रहेगा। थोड़ा जो मेरा गियर है वो शिफ्ट नहीं हो रहा था तो वो भी वो चेक कर रहे हैं अभी। और ये दुकान को जिस प्रकार है आप देख लें, यहाँ पे आपको हर टाइप की साइकिल वगैरह देखने को मिल जाएगी। और अभी मैं आपको मिलवाता हूँ जो ओनर है यहाँ के, तो उनसे बात करते हैं। हेलो सर, ये कब से दुकान है सर? ये है 2014 से। 2014 से। और आप इस दुकान के बारे में बताओ कुछ, मतलब पूरा साइकिल का एक्सेसरी मिलता है। पूछिए भैया, क्या पूछना है आपको? यहाँ पे पूरा साइकिल का जो भी सामान है वो यहाँ पे मिलेगा। और इसके अलावा कुछ मिलता है? एक्सेसरीज मिल जाएगी आपको, उसके अलावा जैसे मतलब थोड़ा मोटा हाउस होल्ड का सामान होता है। अच्छा अच्छा, वो मिल जाएगा आपको, रिपेयरिंग हो जाती है हमारे पास। अच्छा, आपकी यूटेंसिल्स की रिपेयरिंग हो जाएगी, कुकर वगैरह हो गए वो हम रिपेयर कर देते हैं। उसके अलावा बाइसाइकिल का पूरा काम होता है, हाई एंड बाइसाइकिल हो, नॉर्मल बाइसाइकिल हो, सारी बाइसाइकिल का पूरा काम हो जाता है। अच्छा, और ये एड्रेस क्या रहेगा अगर किसी को मतलब यहाँ पे रिपेयर वगैरह करना? ये है आपका, हम उसको जो लैंडमार्क है टर्नर रोड आप बोल सकते हो इजीली, ISBT है हमारा लैंडमार्क है। तो ISBT से हम 100 मीटर या 200 मीटर से थोड़ा सा आगे हैं। अच्छा, टर्नर रोड आप इजीली बोल सकते हो। थैंक यू भैया। तो गाइज, तो देहरादून में अगर आप हो और अगर आपको साइकिल का या फिर किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। और मैं आपको एक प्लांट्स दिखाना चाहूँगा दुकान के बारे में। भैया ये यहाँ पे पूरा जो भी साइकिल का सर्विसिंग है वो सब यहाँ पे होता है, ये पूरा रिपेयरिंग का सेक्शन है। तो गाइज, साइकिल रिपेयर होने के बाद निकलते हैं अपने अगले सफर की तरफ जो कि रहेगा UP। और जो रुड़की रोड है मैं वहाँ से जाऊँगा। अभी तो 6 बजे, तो 7 बजे तक ट्रैवल करना पड़ेगा, थिएटर देखना पड़ेगा वो आज का। चलिए भैया, भैया आए बोल आए, चलो चलो। तो गाइज, ये भाई लोगों ने मुझे चाय और बिस्किट खिलाया, तो थैंक यू सो मच भैया। और ये मेरी साइकिल गाइज। तो गाइज, ऑलमोस्ट एकदम मिनिमल रेट में इन्होंने मेरी जो साइकिल रिपेयर कर दी। और शॉप के बाहर का नज़र कुछ इस प्रकार है। तो गाइज, अगर आपकी साइकिल वगैरह कुछ ख़राब वगैरह हो जाते तो आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट कीजिएगा। तो चलिए निकलते अपने सफ़र पे, ऑलमोस्ट 6:30 हो गए और बढ़ते अभी अपने सफ़र। तो गाइज, अभी हम लोग ऑलमोस्ट आपके पुना प्लेस विजिट हो गए। तो गाइज, हम लोग अभी उत्तराखंड छोड़ रहे हैं, ये रही मेरी साइकिल, तो निकलते हैं, लेट्स गो। गाइज, अभी उत्तराखंड में तो मतलब उत्तराखंड से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मतलब उधर के जो गांव है, जो लोग है, इतने बहुत सही थे, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सही था। जो फ्रेश हवा जो यहाँ पे नीचे तो कभी मिलेगी नहीं। और उसके बाद बहुत पब्लिक का क्राउड वगैरह, तो बहुत सही लगा, जाने का मन नहीं कर रहा है। बट ठीक है, कोई नहीं, ये सफ़र है और हम लोग ज़रूर नेक्स्ट टाइम आएंगे उत्तराखंड में। तो चलिए, लेट्स गो, बाय बाय उत्तराखंड। तो गाइज, हम लोग देहरादून के बाहर ही जा रहे थे तो हमें ये देवी का मंदिर मिला जिसका नज़ारा कुछ इस प्रकार है। मैं अंदर जाके ट्राई करूँगा पूछने के लिए कि मतलब यहाँ पे स्टे के लिए अलाउड है या नहीं है, पूछना तो बनता है। क्योंकि हम लोग ये रुड़की मंदिर जो है वहाँ पे उसके अंदर आ गए और ये नज़ारे कुछ इस प्रकार है। गाइज, आप भी दर्शन कर लो मेरे साथ। तो गाइस, हमने भी यहाँ से जो मतलब जो राख है वहाँ से टीका वगैरह लगाया।
गाइस ये माँ महिषासुर मर्दिनी। हाय गाइस, तो फाइनली हमें मंदिर के अंदर सोने की जगह मिल गई है। मैंने मेरा जो आधार कार्ड है वो पंडित जी को सबमिट किया है, और ये रही मेरी साइकिल, और मंदिर के नज़ारे कुछ इस प्रकार है। मंदिर में आरती भी हो गई थी, तो हम लोग जो आरती की आरती उनका पार्ट भी उसका पार्ट भी बने, और आरती करके बहुत सही लगा एकदम दिल से। अभी मैंने फ्रेश वगैरह भी हो लिया, नहा लिया, तो एकदम रिलैक्स लग रहा है। अभी मैं यहाँ पे मेरा जो मैट वगैरह वो सब बिछाऊंगा, और कल का रास्ता थोड़ा टफ होने वाला है, क्योंकि जो रुड़की की तरफ रुड जाता है पूरा जंगल का एरिया जो कि स्टार्ट हो रहा है। ये जो मंदिर है और इसके आगे से पूरा जंगल का एरिया स्टार्ट होता है, तो देखते बने रहिए मेरे साथ। मतलब थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि जंगल है तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर तो बाघ वगैरह भी आते हैं, ऐसा मैंने मतलब मुझे बताया गया कि यहाँ पे बाघ वगैरह आता है, तो देखते कल क्या होता है, थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा। तू बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।